हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ साहब करना चाहते हैं असल नाजरीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लाम स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा कल से फिर अदालती अमल शुरू हो रहा है या तो मुनसफी पे सवाल उठेंगे या फिर राहबरी के बारे में इनकशाफात होंगे जी हाँ उदैबिया पेपर मिल्स केस की समात होगी कहते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल केसेस है सिर्फ उदैबिया पेपर मिल्स का ही अगले हफ्ते मामला नहीं है बल्कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फारन फारंग फंडिंग के केसेस भी समात के लिए आ रहे हैं और सिर्फ ये भी नहीं वजीर खारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ अकामा वाला केस भी कल समात में आएगा वो कहते हैं कि दोस्त जिसके तुम हो बड़ा एक प्यारा शेर है दोस्तों को सबको याद है मुस्तफ़ा कमाल ने तो कमाल ही कर दिया जो काम नून लीग दबे लफ्ज़ों में इशारतन करती रही अपने इस सारे टायरेड के के दौरान 28 जुलाई के बाद वो मुस्तफ़ा कमाल ने खुलेआम कह दिया कि हाँ फ़लाँ फ़लाँ ने हमें बिठाया था और इत्तेहाद कराना चाह रहे थे कि एक मंशूर एक झंडा और एक जमात बनेगी या क्या होगा दूसरी तरफ यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान तो रोज़ाना की बुनियाद पर हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन जलसा कर रहे हैं लेकिन अब नून लीग भी इसी महीने की उन्नीस तारीख से एबटाबाद से एक अवामी राबता मुहिम शुरू कर रही है और पीपल्स पार्टी पांच दिसंबर में यहाँ इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में जलसा करेगी ये हमारे मौजूद हैं बहुत ही डिस्टिंग और सीजन पैनल मेरे साथ मौजूद है तारफ़ करा देता हूँ मेरे पहले मेहमान हैं जनाब हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन है तजिया नगार हैं और आजकल एक आपका ट्वीट भी बड़ा सरेआम है और इवन मिनिस्टर सवालत आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर मुश्दक मलिक साहब तर्जमान हैं वजी अदम के और अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मेरे तीसरे मेहमान होंगे जनाब चौधरी कमर जमान कायरा साहब सदर वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी हामिद मीर साहब आप ही प्रोग्राम का मैं आगाज़ करता हूँ जो मैंने ये सारा अदालती अमल आपके सामने रखा है ज़रा इससे आने वाले कल के बारे में बात कर लेते हैं हुदैबिया की समात होगी नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ फ़ारन फंडिंग भी समात के लिए आ गए ये मामला किधर आपको जाते नज़र आ रहे हैं अब जो नया अदालती अमल शुरू हो रहा है एक बात आप, आपने अपने इब्तदी में बहुत अच्छी कही आप कहते कहते रुक गए हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान कर क्यों 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 यही कहना चाहता जी थे मैं हाँ। यही कहना चाह रहा था तो वो जो मुस्तफा कमाल साहब हैं उनको जो लेके आए थे या जिनके वो दोस्त थे उनके साथ जो उन्होंने किया है तो कौन ले जनरल राहल शरीफ लेके आए थे उनको मुस्तफ़ा कमाल को दो मार्च दो में जनरल राहील शरीफ साहब की मर्जी से आए थे वो उनकी मंजूरी से आए थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह लगता है कि राहील शरीफ साहब वाली पॉलिसी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उस वक्त तो कभी नहीं वो बोले जब वो वाशिंग मशीन बने हुए थे तो तो आ, अब जब लगता यह है कि पॉलिसी कुछ तब्दील हो गई है उस वक्त गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत अलाबाद भी थे जिनको वो कल परसों रिश्वत लाबाद बार बार कह रहे थे ये मुझे पता ही इस तरह चला था कि बरह रास्त जनरल राहील शरीफ जो हैं वो पी के मामल को देख रहे थे कि जब इशरतलबादाद साहब की और मुस्तफा कमाल की आपस में लफ्ज़ों की गोलाबारी शुरू हुई तो इशरतलबाद साहब को उस ज़माने में बाकायदा रावलपिंडी से कहा गया था कि आप इनका ख्याल रखें ये ये हमारे आदमी हैं लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर फारूक सतार साहब क़त कलामी की माफ़ी ये तो मुस्तफा कमाल भी कह रहे थे कि जिस रात ये यानी बाईस और तेईस अगस्त की दरमियानी रात को जब ये मीटिंग हो रही थी तो वो कह रहे थे कि गवर्नर इशरतलाबाद फ़ोन कर रहे थे कि ख्याल करें मैं भी आ रहा हूँ मैं भी रबते में हूँ जी थे सारे रबते में थे देखिए ना मुतदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो जो जिसकी लीडरशिप जो है वो अब तासर देती है कि मुस्फा कमाल इस्टबलिशमेंट के, के आदमी हैं ये सारे के सारे जो हैं ये भी तो इस्टबलिशमेंट के साथ रबते में थे जब परवे परवेज़ मुशरफ और पीपल्स पार्टी का एन ओ हुआ था तो उस एन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस जमात ने उठाया था वो एम क्यू एम थी बारह मई दो हज़ार सात को कराची में जो खून रेजी हुई थी उसके पीछे जो भी लोग थे लेकिन साबित ही हो गया ना कि एम क्यू एम किसी की प्रॉक्सी थी तो एम क्यू एम किसकी प्रॉक्सी थी उस वक्त परवेज मुशरफ़ की प्रॉक्सी थी और उसके बाद फिर उसमें से एक पी एस पी निकाली गई और देखें कराची की सियासत में ये जो किरदार है जिन जिन जिनकी तरफ इशारा किया है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यह नाइनटीन नाइन्टी टू से चला आ रहा है तो कराची की एक मखसूस सूरत हाल है वहाँ पर आप अपेक्स कमेटी बना देते हैं और अपेक्स कमेटी में सारे उसका भी वैसे ही होना अपेक्स हाँ, कमेटी में सारे स्टेक होल्डर बैठे होते हैं तो कराची में तमाम जो पाकिस्तान की बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग एम क्यू एम पीपल्स पार्टी पी एम एल एन सब ने अपेक्स कमेटी के जरिए जो स्टैब्लिशमेंट का रोल है उसको एक लेजिटमेसी दे दी हुई है और उसके नीचे भी फिर बहुत सी कमेटियाँ बनी हुई हैं लेकिन ये But एक खुलेआम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मीटिंग हो उसमें और रात के अंधेरों वाली मीटिंग हाँ, में तो मीर साहब बड़ा फर्क होता आप, है ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि एपेक्स कमेटी में जो आ, डिस्कस होता है फिर उसके नीचे बहुत सी कमेटियां बनती हैं तो अब उसमें मैंने भी ये सवाल कल बहुत से लोगों को पूछा है कि ये जो किरदार है कि रात की तरीके में एक पार्टी बनाना और बिगाड़ना ये क्या तो मुझे ये बताया गया कि नहीं ये तो हमने सिर्फ दो कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाया है कि आप आपस में अपने मामला तय कर लें बजाय इसके कि आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं और अगर उन पर कोई चीज़ डिक्टेट की जा रही चीज़ उन पर फोर्स की जा रही होती तो फिर वो इस तरह बोलते ना लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में जो आपने इब्तदे में कहा है मैं उसी को आगे बढ़ाऊँगा हुए तुम दोस्त जिस दुश्मन उसका आसमा क्यों हो मुतफ़ी कमाल साहब ने जिस तरीके से कुछ लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश की है उसे पता चल रहा है कि आजकल मुस्तफ़ा कमाल साहब की वो पोजिशन नहीं है जो जनरल राहिल शरीफ के ज़माने में थी अब जरा ये जो मेरा सवाल था ओरिजिनल आपसे हाँ। कि हुदेबिया पेपर मिल खुल गई है इमरान खान रोजाना कहते हैं कि अब शहबाज शरीफ की जाने की बारी है देखे इमरान खान साहब को ये लबोलजा इख्तियार नहीं करना चाहिए उनके इस लबो से ये लगता है कि जैसे वो किसी अदालत को फैसला डिक्टेट कर रहे हैं या फैसला उनको पहले से पता है अभी किसी केस की समातें शुरू नहीं हुई तो इमरान खान साहब कैसे दावा कर सकते हैं कि के, के शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं केस की समात होने दें समात के बाद जो फ़ैसला आएगा उस फैसले पे हम तबसरा कर सकते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जिस किस्म के सियासी बयान दे रहे हैं उसका शहबाज शरीफ को नुकसान कम फायदा ज़्यादा है डॉक्टर साहब एक अदालती अमल है अदालत ने फैसला देना है और सबसे बड़ी अदालत है अभी तो समात होनी है लेकिन हुज़रा पहले से ही कह रहे हैं खुरम दस्तगीर साहब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वो कहते हैं ये ना इंसाफी है ये केस खेल खोलना मेरे ख्याल में तो म, आ, मैं बड़ी मोदबाना गुजर ये बात करूंगा कि मेरा इख्तलाफ है थोड़ा सा मीर साहब से आ, नहीं भी और है भी मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब को ज़्यादा बात करनी चाहिए और रोज़ बात करनी चाहिए बल्कि एक धरना भी देना चाहिए क्योंकि जो फैसला दावत दे रहे हैं जी जी मैं बिल्कुल बिल्कुल दावत दे रहा हूँ क्योंकि ये हो जाएगा ना भी दावत दूंगा अगर उनका नहीं होगा तो किसी और जगह पे पिंडी पॉइंट से आगे जरा कोई और धरना हो जाएगा उससे क्या फर्क पड़ता है अगर धरना कौन देगा धरना जरूर होगा और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को रोज ये बात करनी चाहिए ताकि आपके टेलीविजन के जरिए लोगों को वो बात पता चले जिसका इशारा जो है अभी हामिद मीर साहब हामिद मीर साहब ने यह कहा नहीं है मगर कहा है कि इमरान खान साहब ये इशारा दे रहे हैं ये इशारे तो दो साल से आ रहे हैं जिस दिन जे आई टी की तश्ल हुई थी उस दिन यह इशारा नहीं आया था जिस दिन जे आई टी के अंदर वो व्हाट्सएप की कॉल्स हुई थी उस दिन क्या ये इशारा नहीं आया था जिस दिन वो तस्वीरें रिलीज हुई थी उस दिन क्या वो इशारा नहीं आया था जिस दिन कहा गया कि ये अब मुकदमा जो है ये चलेगा नैब की अदालत में मगर मावरा नैब के कवानी से यानी नैब के जो कवानी है उनके तहत नहीं चलेगा चलाएगी नैब अदालत लेकिन ना इसकी शिकायत जाएगी ना इसकी इंक्वायरी होगी ना इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी बस सीधा इस्तगासा होगा और साठ दिन के अंदर होगा तो वह नैब का तमाम तरीका कार जिसके अंदर यह ट्रायल होना था उस तरीका कार को आ, क्या हुआ आ, आप तो ये फरमा रहे हैं कि ये सारा कुछ नैब के कवानीन के खिलाफ हो रहा है जो केस मावरा है आपको नहीं मालूम कि पहले शिकायत होती है फिर चेयरमैन नैब को यह फैसला करना पड़ता है कि यह शिकायत जो है ये इंक्वायरी की शक्ल इख्तियार करेगी या नहीं फिर इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है पर नैब के चेयरमैन को फैसला करना होता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं फिर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है जिसका मुताला करने के बाद वो फैसला करते हैं नैब कवानीन के तहत एक आम आदमी भी शिकायत कर सकता है लिख के भेज सकता है तो अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत हुक्म दे दे तो वो गैर कानूनी कहते पहली बात है? तो यह है कि शिकायत के बाद इंक्वायरी इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन के बाद इस कर लेते हैं ना इतनी जल्दी क्या थी इलेक्शन से दो महीने पहले जो डेड लाइन दी गई है कि आपको इनका फैसला करना है जब बाकी तमाम मुल्क के जो जो लोग हैं उनके ऊपर नैब की जो कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक हो रही है कोई उस पर डेडलाइन नहीं तो इसको भी होने देते जरदारी साहब की भी कार्रवाई इसी तरह हुई है दीगर अशखास की भी कार्रवाई इसी तरह हुई है तो पहली बात तो यह है दूसरी बात रिव्य में अदालत ने कह दिया हम चाह रहे थे महीने की जजमेंट के लापरवाही का शिकार न हो जाए हमने डेड लाइन इसलिए रखी है आपने पढ़ी है तफसी मैं उसी को कोर्ट कहा आता हूँ आपकी पहली बात की तरफ और आपकी पहली बात यह है की ये शिकायत तो सुप्रीम कोर्ट ने भेजी है तो शिकायत भी सुप्रीम दिया है ना डॉक्टर मैं मैं उसी तरफ आ रहा हूं मैं तो आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि शिकायत भी सुप्रीम कोर्ट ने की यानी हुक्म दिया इन्वेस्टिगेशन को भी सुपरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने किया निगरान जज निगरान जज नैब कोर्ट के ऊपर भी जो सुपरविज़न है वो सुप्रीम कोर्ट की है और जो नैब कोर्ट का फैसला आएगा उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जानी है तो हमें भी तो बताइए किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें जिस बंदे ने शिकायत की है जिसने इन्वेस्टिगेशन की है जो फैसले को सुपरवाइज़ कर रहा है उसी ने अपील सुननी है तो मेरे ख्याल में हमें पहले ही चाहिए कि हम कहें कि लो हमने दामन झाड़ दिया लो जाम उल्टाए देते हैं म तो उलट चुका है उलट चुका है और हम आपसे क्या कह रहे हैं यही हम कह रहे हैं यही साहब है बहुत शुक्रिया आप चेयरमैन साहब के साथ अपने चेयरमैन साहब के साथ बिजी थे बट आपने वक्त दिया हम कल से एक अदालती अमल फिर शुरू हो रहा है उदयिया पेपर मिल्स केस की समात है फिर आपकी पार्टी के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग केस की समात आनी है वो भी पीटीआई ने एप्लीकेशन दे रखी है इस नए अदालती अमल में पहले भी राबरी पे सवाल उठा और फिर मुंसफी पे सवाल उठाया गया अब आपको क्या नजर आता है देखिए हमारी पार्टी का जो केस है बिल्कुल तो बाजी में भी ऐसे बहुत सारे केसेज रहे हैं भी अगर हम पे कोई इल्जाम है तो हमें समाई देनी चाहिए बिल्कुल देंगे जहाँ तक मनसफी का सवाल है ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग का मसला जरा मुख्तलिफ है मुस्लिम लीग के क्योंकि खिलाफ कभी फैसले आए नहीं सिवाय एक फैसले के जो बाद में फिर अदालतों ने दस साल की आ, जो कंडोनेशन अप डिले दे के और आ, वो फैसला खत्म किया जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मियाँ साहब के खिलाफ हुआ वरना तो उनकी मर्जी के फैसले आते हैं बल्कि ये अदालतों को डिक्टेट करके दूसरों के खिलाफ फैसले लेते हैं जिस तरह बीबी शहीद और जरदारी साहब के केस में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और सैफुर रहमान साहब ने कयूम साहब को डिक्टेट किया था आ, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे लोगों के फैसलों का इशू है आज इशू है क्या क्या सुप्रीम कोर्ट छोड़िए क्या हाई कोर्ट सुबार्डिनेट कोर्ट्स को यह हुक्म नहीं देता कि आप दो महीने में तीन महीने में चार महीने में या एक गिवन टाइम के अंदर इस केस का फैसला करें बेशुमार केसेस के अंदर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट आती है कि ये डिले नहीं होना चाहिए इस मामले में टाइमली फैसला करने की जरूरत है और फिर अदालत पाबंद हो जाती है और वो किसी को एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं देती और अननेसेसरीली डिले नहीं होता उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं सिर्फ अननेसेली डिले नहीं होता तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है को अन कोई अनएक्सपेक्टेड कोई बिल्कुल अचंभे की बात नहीं है दूसरी बात यह है कि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्वेस्टिगेशन कराई तो ये जो है ना नायब के अंदर केस दा, दाखिल होने का केस तरीकाकार वो कानून नहीं है वो प्रोसीजर है प्रोसीजर के तहत पहले इन्वेस्टिगेशन होती है इंटरोगेशन होती है फिर रेफरेंस फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सारे केस की डिटेल आई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तही उस मामले को इस समझा कि इसमें जरूरत नहीं है इसकी इन्वेस्टिगेशन में हो गई अब तो मिया साहबान को सीधा रेफरेंस दायर करें और इनको जवाब देने का मौका फराम करें अपील भी मौजूद है अदालत भी मौजूद है अब यह जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन आपकी मर्जी के तहत हो यह प्रोसीजरल इशूज है हाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई ठीक है नैब ने नहीं की शिकायत तो आपने करनी ही नहीं थी शिकायत तो गवर्नमेंट करती है ना जी नॉबली नैब केसेस में गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट भी करता है लेकिन गवर्नमेंट नावली करती है तो वहां तो नैब का आलम यह था कि जो नैब सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर कहती है कि हम तो का केस में अपील नहीं दायर कर रहे आप जो कहना है कर ले वहां पे नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या करती सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप इसका कुछ भी है वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसी की बुनियाद पर फैसला होगा इसी नुक्ते पर रहिएगा चर साहब इसी नुक्ते पर रहेगा नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्हीं मौजूद को स्पेशली जो सवाल तो मैंने इनिशियली कोर्ट के बारे में पूछा था हामिद मीर साहब ने जो शुरू में बातें की जरा मैं उस नुकात उन नुकात पे आऊँगा ब्रेक के बाद <laughs> वेलकम बैक नादरीन हम बात कर रहे हैं मुल्क के ताज़ा हालात के हवाले से और इसमें जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कमालत हैं और इनकशफात की हैं उनके तनादुर में बहुत सारी सूरत हाल बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आई हैं मलिक साहब अगर इस अदालती अमल से निकल के मैं चीज़ों को एक कलेक्टिव सेंस में देखना चाह रहा हूँ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ईरान गए और वहाँ पर दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई एक डेवलपमेंट थी कि ईरान ने कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़ की भरपूर हमायत की हम पहले कह रहे थे कि शायद अफगानिस्तान ईरान और इंडिया का कोई अलाइंस बन रहा है लेकिन कश्मीर पे वादे बात कर दी ईरानियन प्रेसिडेंट ने और साथ साथ ये भी वहाँ पर इतफाक़ हुआ कि जहाद का जो एक परिरागटिव है वो सिर्फ़ रियासत का हक है वो रियासत का प्ररागटिव है आप क्या कहते हैं इस हवाले से देखिए मैं समझता तो हूँ ये खुशाइन बात है पाकिस्तान को जहाँ से भी कश्मीर के हवाले से मिले सपोर्ट मिले हमें अब लॉबी भी करना चाहिए और हमें उसका हसूल भी करना चाहिए और हमें उसको लेवरेज भी करना चाहिए तो इस नुक़ नज़र से मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइन बात है और जनरल साहब ने बड़ा अच्छा किया वहाँ पर गए और जो भी मुशावरत की जिसके नतीजे में यह बयान आया ये बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन इलाकई बैलेंस जो है वो बदल रहा है महवर जो है अमरीका का जो किसी ज़माने में पाकिस्तान हुआ करता था वह बदल के हिंदुस्तान की तरफ़ चला गया है और पिछली हुकूमत अमरीका की जो है जो ईरान के साथ तल्लु बेहतर करने की कोशिश कर रही थी अब अदरवाइज सऊदी अरेबिया के साथ तल्लक बेहतर कर लिए हैं तो कुछ मेरे ख्याल में एक लार्जर जो पिक्चर है वो तब्दील हो रही है वो खाका बदल रहा है जिसके अंदर हमें भी अपना ये खारजा पॉलिसी का और दिफा का खेल जो है वो खेलना है और और हमारा जो मौक़ है वो यही है कि हमारी बहुत पुराने ताल्लुक हैं सऊदी अरेबिया के साथ और हम उनको बरकरार रखेंगे उनको ज्यादा ज्यादा मजबूत बनाएंगे और ईरान हमारा हमारा साथी है साथी है आया हम है, 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 हम है, है, है हमारे ऑलरेडी दो बॉर्डर्स जो हैं उन्हें आग लगी हुई है तीसरा बॉर्डर जलाने से हमें कोई आ, कोई अच्छा आउटकम हमारे सामने नहीं आएगा तो मैं समझता हूं ये बड़ी खुशायन बात है कि हम एक एक अपने आप को एक नई न्यूट्रल पॉलिसी जिसके अंदर पाकिस्तानी जो नुकता नजर है या पाकिस्तानी इंटरेस्ट है, इंट्रेस्ट पाकिस्तानी है उसको बढ़ाने के लिए हम दिफाई इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे उसको बढ़ाने के लिए हम अपने इकतदी मामला को बढ़ाएंगे उसको बढ़ाने के लिए हम अपने ये जो खारजा पॉलिसी के हैं इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये अच्छी एक अच्छी शुरुआत है अच्छा दौरा था कारा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा यही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब काबुल गए थे जो बहुत ज्यादा जिस आग की बात कर रहे हैं डॉक्टर मुसदिक मलिक साहब उस आग को ठंडा करने में कामयाबी हासिल हुई डॉक्टर अशरफ गनी ने फिर पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त जिस महज पे खड़ी है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लीकेशन है अफगानिस्तान के साथ धाइयों से हमारे यहाँ कभी एतम होता है फिर इंतजाम लगते हैं और पिछले काफी अरसे से एक अच्छा वक्त आता है फिर उस पर एक बुरा वक्त आ जाता है मीर साहब इस पर ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि अशरफ गनी साहब पाकिस्तान के साथ अपना अच्छा ताल्लुक बनाना चाहें भी तो वो अमेरिकन प्रेशर के बगैर वो की वजह से शायद बहुत अच्छा ताल्लुक ना बना सके जब तक अमेरिकन पाकिस्तान से राजी नहीं होते या वो पाकिस्तान से सेटिस्फाई नहीं होते उनके अपने तय हम तो कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है सेटिस्फाई नहीं होते अफगान गवर्नमेंट हमें ए, हमारे साथ अपना ताल्लुक अच्छा नहीं कर सकती क्योंकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बेसिकली एक पपेट गवर्नमेंट है पीछे अगर ताकत है बेजर तो वो अमेरिका है और इस वक्त वहां पे और आज नया नहीं है हिंदुस्तान का बहुत अरसे से वहां पे उनका इन्फ्लुएंस है ईरान के साथ पाकिस्तान को बहुत अच्छा तलुक अपना बना कर रखने की जरूरत है हम हमेशा अनफॉर्चुनेटली सऊदीया के कुछ ज्यादा दबाव में रहे हैं और हमारी खर्जा पॉलिसी और खासतौर पर मुसलमान मुल्कों के हमारे से हमारी जो पॉलिसी है उसमें बड़ा अजीब सा तनाव रहा आज ईरान के साथ अपने ए, अगर ताल्लुक बेहतर करने का को इजहार करना है तो वो जो एक्ट जो अपने पाइपलाइन का मुआदा किया था गैस पाइपलाइन का जो पाकिस्तान की असद जरूरत है और पाकिस्तान की एक सस्ता ईंधन हमें मिल सकता है उसके ऊपर काम करके हम उसको एक बेहतर और उसको सॉलिड रीजन दे सकते हैं साहब एक छोटी सी आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालुकात में एक है है वो बड़ी ताकतों ने ज्यादा रोल अदा करना है, उसमें चीन और रूस का भी बड़ा अहम रोल है वो एक सेक्शन है और अफगानिस्तान और इंडिया और अमेरिका का एक रोल है और यहाँ पे सी पैक ने आगे चलना है या रुकना है इस खत्ते ने कनेक्टिविटी के हवाले से मुस्तबिल में आलमी ताकतों के मफादत क्या है

तो फिर मुस्तफा कमाल भी तो यही बात कर रहे थे कि हम इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं ताकि कराची में जो रॉ का स्ट्रक्चर है उसको खत्म किया जाए मिलकर बात किधर बुला रहे हैं मैं ब्रेक के बाद आपका जवाब लूंगा नारीन ब्रेक लेते हैं वेलकम बैक नाजरीन आप रूबरू देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से मीर साहब एक सवाल छोड़ा था मैंने आप आपने।, आपने मेरे लिए सवाल छोड़ा था देखिए जो इस वक्त पाकिस्तान के ईरान के साथ और पाकिस्तान के अफग़ानिस्तान के साथ ताल्लुक हैं और इसमें जो आर्मी चीफ जनरल कमर जुवेद बाजवा का जो किरदार है वो किरदार आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है मंतब हुकूमत है वो उसको बाईपास करके कोई अपनी पॉलिसी चला रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो जो डिफेंस कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं फॉरेन मिनिस्टर भी हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हाँ, आप कहने जो हैं नेशनल सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है उसमें सब कुछ डिस्कस होता है उसमें जो फैसले होते हैं उस पर इंप्लीमेंटेशन होती है तो एक तरह से आर्मी चीफ और बाकी जो फौज एज ए इंस्टीट्यूशन है वो इस रीजन में पाकिस्तान के जो तल्लत हैं उनको ठीक करने के लिए हम के साथ असिस्ट कर रहे हैं अब मैं बार बार जनरल राहीद शरीफ साहब का जिक्र नहीं करना चाह रहा मेरी उनसे कोई पर्सनल ज़ाती कोई मेरा मसला या कोई अनाद नहीं है लेकिन वो आ जाते हैं अब देखें ईरान गए हैं अगर आर्मी चीफ तो आप देखें वहाँ जा उन्होंने आ, आउट ऑफ दे जाके ईरानी लीडरशिप जो है उसके साथ बहुत लंबी लंबी मुलाकातें कं और उनके साथ बहुत से इश्यूज पे बातचीत की काफी दिन गुजारे फिर वहां पे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रहा था कि आर्मी चीफ कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ पाकिस्तान के तल्का ठीक हो जाए एक पहले बनता नजर आ रहा था मैंने इंडिया अफगानिस्तान हाँ, अब वो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया कश्मीर पे नहीं पहले आप हाँ मेरी बात मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने दें देखिए इसकी एक बैकग्राउंड है बैकग्राउंड ये है कि वही फिर रहील शरीफ साहब जब आर्मी चीफ थे तो उनके जमाने में जब ईरान के एक सीनियर लीडर पाकिस्तान आए हुए थे तो हसन रूहानी साहब खुद आए तो एक ट्वीट हो गई थी वो कलभूषण यादव के बारे में तो उस पर ईरानी लीडरशिप जो है वो काफ़ी नाराज हुई थी और उससे पाकिस्तान के और ईरान के जो है वो काफी, है वो काफी कशीदा हो गए थे अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब से आर्मी चीफ बने हैं तो उन्होंने कोशिश की है एक तो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को जो राहुल शरीफ साहब के जमाने में जो एक तासर था कि जनाब बहुत ज्यादा बरह रास्त हुकूमत को प्रेशराइज किया जाता है या पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया जाता है तो आप उनकी जो छह सितंबर की तकरीर है उसको सामने रखें साफ पता चलता है कि वो हुकूमत और अपोजिशन को साथ लेके चल रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है उसमें भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को साथ लेके चल रहे हैं और इस मामले में फॉरेन ऑफिस और जो जीएचक्यू है मिलकर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि हमने किस तरह ईरान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के ईरान और अफगानिस्तान में जो भारत का असर और सूख है उसको कम, काम करना है तो ये जो अब जो काबुल का भी आपने जिक्र किया जो काबुल भी गए थे तो फॉरन सेक्रटरी तहमीना जन्जवा उनके साथ थी और वहां पर आर्मी चीफ ने जो भी बात की थी वो पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत की पॉलिसी है उसके बिल्कुल एन मुताबक है और जो इस वक्त जो ईरान के साथ जो जो ताल्लुक हैं वो जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की एक जो करारदाद है मिडल ईस्ट की सिचुएशन के बारे में वो बिल्कुल उसके ताबक़ है तो हमें उसको नहीं, वो क्राइसिस में जब करार दार 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 के हम गैर गैर तो आप कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, नहीं कोई कंपेरिजन नहीं है ना कोई कनेक्शन है बट मैं आपके सामने ये नुकता रेज कर रहा था कि आर्मी चीफ जिसे हम उर्फ आम में कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के सरबरा अगर वो पाकिस्तान के इन तमाम मफादात के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो कायरा साहब भी एग्री हैं मलक साहब भी एग्री हैं आप भी एग्री हैं मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि जो रा का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में अलताफ हुसैन ने बोया था हम इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठते हैं ताकि उसका कला कमा किया जाए देखिए वो अब उनकी बात ठीक है लेकिन <coughs> वो जो अलताफ हुसैन ने जो रा का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में बनाया था तो वो वो किस तरह बना था पहले जयावल के दौर में ठीक है एपीएमएस हो जो है उसको जियालख साहब ने काफी छूट दी थी और फिर और M -M बन गई एमक्यूएम बनी फिर परवेज मुशरफ साहब के दौर में जब एम क्यू एम बहुत डाउन थी उसको परवेज साहब ने को मजबूत किया और फिर एम क्यू एम जो है वो जब परवेज मुशरफ साहब की हुकूमत खत्म हुई तो पीपल्स पार्टी की देखें कि 1992 से कराची में जो स्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो चल रहा है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में

फिर उसमें मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुने अच्छा उसमें एक मजलिस है वो उन्होंने उन्होंने, ऐलान कर दिया उन्होंने हम तो, नहीं उन्होंने मुझे खुद फोन किया उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है हमारा नाम इसमें शामिल कर लिया है तो ये परवेज मुशरफ साहब जो है वो उन्होंने ऐसे ही अब अब देखे मुशरफ साहब के जमाने में एक पार्टी बनी थी उसका नाम था मुस्लिम लीग काफ उसको मुशरफ लीग कहा जाता था वो इसमें शामिल नहीं है जो मुशरफ साहब की अपनी पार्टी है वो तो इस तेईस जमाती इतिहाद में है नहीं है

तो पाकिस्तान का हर अदारा खा वो पार्लियामेंट है वो अदलिया है वो फौज है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है तो जब पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई थी तो उस वक्त परवेज मुशरफ को कार्रवाई करनी चाहिए, करनी थी। चाहिए थी। तो वो कार्रवाई अगर नहीं हुई और वो कार्रवाई अगर बाद में हुई है तो मुस्तफा कमाल साहब अगर उसको ट्विस्ट कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को चाहिए था कि जिस वक्त परवेज परवेज मुशरफ के दौर में जब वो नाजिम थे कराची के तो ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की थी उस वक्त अगर मुस्तफा कमाल छोड़ देते डॉक्टर तो इसी, इसी दोनों जब कह हाँ, पर, फारुक सतार रहे हैं कि हाँ मुलाकात हुई थी वहां पर डॉक्टर करके मान रहे मुस्तफा कमाल खुली बात कर रहे हैं। मिलाने वाले उनके हवाले से अगर बात हो तो जो एक तासर है आपकी पार्टी हमें डराती भी है कि पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे अगर ये कोशिशें हो रही हैं इन कोशों के होते हुए तो फिर तो इलेक्शन हमें नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन होंगे वो नो इलेक्शन वाला तो ऑप्शन खत्म हो जाता है फिर. ये तो सुबह पता चल जाएगा सुबह जब सीसीआई की मीटिंग होगी और पार्टी को पोजीशंस हर पार्टी को अपनी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी तो कौन सी पार्टियां है, चाहती हैं कि इलेक्शन हो और कौन कौन सी पार्टीज को फायदा है इलेक्शन ना होने में या जमहूरियत के आगे ना बढ़ने में या एक केयर केयर टेकर टेकर सेटअप सेटअप आने में या टेकर की एक्सटेंशन होने में भी तो, तो पीपल्स पार्टी की शर्त मान ली है ना पहले सीसीआई आ गई ना तो अब खुल जाएगी ना बात अब अब तो हर शर्त मानी गई दो चार हफ्ते जो जाया होने थे वो हफ्ते भी जाया हो गए तो अब कल आ गई सीसीआई में तो कल सुबह तो खुल जाएगी ना बात तो कल तो सामने आ जाएगी हर एक को सामने आना पड़ेगा हर एक को बताना पड़ेगा कि हम इलेक्शन चाहते हैं और हम इलेक्शन नहीं चाहते और वो पार्टीज को भी बताना पड़ेगा जो कहते हैं कि 1998 का जो इलेक्शन है उसके तहत करवाया जाए उनको भी बताना पड़ेगा कि अगर नया एक सेंसस आया है सामने तो वो लोगों का इस्तेसाल क्यों होना चाहिए और क्या छोटे छोटे सूबे के लोग जो हैं वो अदालत में जाके पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर लिटिगेट नहीं करेंगे इस इलेक्शन को नहीं रोकेंगे जब अबूरी हुकूमत आ जाएगी क्या अबूरी हुकूमत को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी यह तमाम के जवाब आपके सामने कल आ जाएंगे कल शाम को प्रोग्राम कीजिएगा तो फिर हम हर पार्टी से पूछेंगे कि उन्होंने क्या पोजिशन ली है कल एक एक बात एक बात तो ये दूसरी बात ये कि जो आपने अभी सारी गुफ्तु फरमाई है इसमें देखें नई बात क्या है। ये मीर साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि इसमें नई बात क्या है महाजर से मुतह यानी जब महाजर का बनना नया था फिर महा, महाजर से मुतहदा होना नया था अच्छा, और, और डॉक्टर साहब से मुतहदा भी जनरल असलम बेग ने करवाया जी वही मैं कह रहा हूं मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं मुतहदा से हकीकी बनना जो है वो आपको भूल गया है हकीकी से पी एस पी बनना भूल गया है पी एम एल क्यू बनना गर्दाम नहीं खत्म हुई इधर भी कभी जोड़ और कभी तोड़ बात ये तो मैं नहीं कह रहा हूं

तो और आपके प्रोग्राम में तो जरूर हाँ। करता कर हाँ। तो है कि मुल्क अब इस्तेमाल नहीं है तो कोशिश करेंगे आप देखेंगे वहां पर तसादम होगा आप देखेंगे शाम को एक नया थिएटर शुरू होगा उसी वक्त स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू होगी जिसमें कहा जाएगा कि अब तो इस्तेमाल ऐसा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन तो हम ये चाहते हैं कि आप कनेक्ट कर रहे हैं हैं इन लोगों ये की तमाम की... कन... ये तमाम हैं। ये तमाम चीजें चीजें ये ये कनेक्टेड कनेक्टेड है। किसी को करने की जरूरत नहीं है जरा सिर्फ अपनी तारीख का आप थोड़ा सा देख लें एक खाका देख लें आगे नहीं मैं एक बात और कहना चाहूंगा आखिरी देखें आपने शुरू में कायरा साहब ने भी कहा और आपने भी रिव्यू का जिक्र किया मैंने उस वक्त आपकी बात का मैं जवाब नहीं दे पाया मैं वहां तक पहुंचा नहीं था बात यह है कि जो 500 सौ सफे का जो लिखा है जो जजमेंट लिखी है उसमें सारा एविडेंस तो प्रेजुडिस हो चुका है अट्ठाईस जुलाई वाली जजमेंट की बात अभी ये 24 सफे की या अट्ठाइस सफे की जो नई रिव्यू का जवाब आया है जिसमें वो जवाब सात नवंबर जिसमें वो जवाब हैं जो सवाल ही पूछे नहीं गए जो सवाल पूछे नहीं गए उसके जवाब दिए गए हैं अगर ये तमाम आप एविडेंस को पहले ही प्रेजुडिस कर चुके हैं तो अब आप क्या चाहते हैं कि नैब ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है एविडेंस के मुतालिक वो गलत है और अगर इन्वेस्टिगेशन जैसे कि कायरा साहब कह रहे थे हो चुकी थी तो भाई फैसला भी दे, दे देना था कायरा साहब जो मैं बुनियादी तौर पर इस सेगमेंट में बात कर रहा था मैं उसी पे आपके पास आऊंगा नून लीग बार बार बर वक्त इलेक्शन की बात करती है कि अगले अगस्त में इलेक्शन होने चाहिए जो कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है जबकि पीटीआई कहती है कि नहीं जल्दी इलेक्शन होना चाहिए आप कह रहे हैं बार बार आप भी कहते हैं कि बर वक्त इलेक्शन हो लेकिन ये नाइनटीन नाइनटी एट की मर्दम शुमारी पर इलेक्शन तो आपकी तरफ से प्रपोजल आई आपकी पार्टी की तरफ से प्रपोजल आई अगर मरदम शुमारी नई के मुताबिक बंदियां नहीं होती आप तरमीम में साथ नहीं देते तो फिर तो बर वक्त इलेक्शन का इनाकाद नहीं हो सकेगा राजा साहब मैं इस सवाल पे आने से पहले एक छोटी सी बात कह दू गुजारिश यह है मलिक साहब ने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया एम क्यू एम के मुख्तलिवार का, 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 काफ लीग के बनने का उससे पहले जुनेजो लीग और एन लीग भी उस क्यू में शामिल कर दे तो शायद यह पूरा चेन पूरा हो जाए दूसरा गुजारिश यह है कि मैंने जो बात कही अदालत ने पांचवा सफे का फैसला दिया था और उसमें ये जो केसेस हैं, ये केसेस इनकी डिटेल डिस्कस नहीं हुई जहां तक मैंने पढ़ा है इन केसेस की डिटेल डिस्कस नहीं हुई और डिटेल के साथ उन्होंने वॉल्यूम टेन भी दिया है और वो बिल्कुल अलग इश्यूज है उसको अदालत ने डिस्कस नहीं किया अदालत उस पर कोई जजमेंट पास नहीं की और उन्होंने जजमेंट पास की है मिया साहब के झूठ बोलने पे कौम से कौम के नुमाइंदों से अदालत से मिसलेशन और कंसीलमेंट पे, पे जजमेंट आई है हाँ अब आ जाइए जरा आपने कहा कि मैं मेरी जमात की तरफ से ये मुतालबा आया या कोई तजवीज आई है खुर्शीद शाह साहब ने जो बात कही जब हम पे ये इतराज उठा हुआ क्या था कि जब ये बिल पेश हुआ असम्बली में हमने पहले इससे एग्री किया था लेकिन जब हमें चीफ मिनिस्टर सिंह ने कहा कि हमारे साथ सीसीआई में यह मामला फाइनल नहीं हुआ तो इस मामले का हम ये समझते हैं और दुरुस्त फैक्टर फैक्ट यह है कि नए आईनी ढांचे के, के तहत अब काबीना हर चीज की अप्रूवल का फॉरम नहीं है इलेक्शन के मामले में सेंसस के मामले में आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना है इसकी रिपोर्ट भी वही ले हुई थी

खुर्शीद शाह साहब ने इस इशू को डिस्पेल इस सिम्बच को डिस्पेल करने के लिए कहा कि हम इलेक्शन बर वक्त चाहते हैं और उसके लिए वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि अगर किसी वजह से अदालती प्रोसेस में या किसी वजह से इलेक्शन डिले हुए तो हम इलेक्शन डिले नहीं